हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक का आप इस्तेमाल करते होंगे और सोशल मीडिया प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप बिजनेस हुआ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग ऐप हैं। इनमें हर सभी ऐप में ब्लॉकिंग का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ब्लॉकिंग का ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है या उल्टे सीधे मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक में किसी को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में से ब्लॉक कैसे करें। अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है तो भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए, फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ मैं। फेसबुक को ओपन करने पर आपको यहाँ टॉप राइट में ये तीन लाइन दिख रही हैं, यहाँ आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ जो नाम लिखा रहता है आपकी प्रोफाइल के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको नीचे आना है, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड होंगे आपकी आईडी में, ये सभी आ जाएंगे। तो देखिए, अब मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, ये आरती सिंह है, और एक इनको ब्लॉक करके दिखाता हूँ और मैं बताऊँगा कि ब्लॉक करने के बाद आप इनको अनब्लॉक कैसे करें और ब्लॉक होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। तो देखिए, इसको ब्लॉक करने के लिए ये तीन डॉट, इसके सामने जो ये नाम है, इसके सामने जो तीन डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लॉक कर देना है। यहाँ आपका नाम लिखा आ रहा है, इस उनका जिसकी आईडी है ब्लॉक आरती सिंह, इसको ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए, मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, इसको ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पर ये तीन डॉट जो दिख रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इस पर ब्लॉक पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए, ये भी ब्लॉक हो गया। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि अनब्लॉक करने के लिए क्या करें। ब्लॉक तो कर दिया आपने, अब आप दोबारा से उनको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको सेम प्रोसीजर वही अपनाना है। यहाँ आपको राइट टॉप में तीन लाइन जो दिख रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर जाने पर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर प्राइवेसी में देखना है। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइवेसी में ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए, नीचे और चलते हैं तो प्राइवेसी के अंदर ही ब्लॉकिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आप जब क्लिक कर देंगे ब्लॉकिंग के ऊपर तो आपने जो जिन लोगों को ब्लॉक किया था वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। और देखिए, इनको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं फिर उसके बाद हम उसको अनब्लॉक करते हैं तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट से चला जाता है, यानी कि आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं रहता। अब इनको अनब्लॉक करने के लिए जो अनब्लॉक लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, दोनों के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये अनब्लॉक हो जाएंगे। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, इसको अनब्लॉक कर दूँगा। अब देखिए, ये भी अनब्लॉक कर दिया मैंने, मतलब ब्लॉकिंग में से मैंने वो बंदे हटा दिए जिन जिनको मैंने ब्लॉक किया था। अब जिनको मैंने ब्लॉक किया था उनको मैंने अनब्लॉक कर दिया है तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यूट्यूब जब हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट से गायब हो जाता है। तो फिर द्वारा आप अगर आपके आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या वो आपके पास रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई भी ऐड नहीं है तो ब्लॉक कैसे करें। तो उसको ब्लॉक करने के लिए आपको करना क्या है, सेम प्रोसीजर वही अपनाना है। आपको होम पे आना है, यहाँ आपको सर्च के ऊपर जाना है, जो आप ऊपर लेंस देख सकते हैं, यहाँ आपको उसका नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये नाम यहाँ टाइप कर दिया, मैंने यहाँ नाम ये एंटर कर दिया, इसको सर्च कर दूँगा। अब देखिए, ये सबसे ऊपर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए आप, ये हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं है। अब देखो, इनको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने के लिए आपको इन तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ब्लॉक का, तो यहाँ से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉकिंग पे क्लिक कर देंगे और ब्लॉक ये हो जाएगा। अब इनको अनब्लॉक करने के लिए सेम प्रोसीजर आपको वही अपनाना है कि आपको देखना है कि आपने किन किन लोगों को ब्लॉक किया है। तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, इसमें आप प्राइवेसी के अंदर यहाँ देख सकते हैं ब्लॉकिंग, तो जिन जिन लोगों को आपने ब्लॉक किया होगा वो सभी इसमें आ जाएंगे और यहाँ से इनको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।